हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट। आई वेलकम टू यू आवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स की, और स्टॉक्स में भी सेक्टर की। किस सेक्टर की? ये है शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन शुगर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसको चाइना से कभी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि गन्ने का प्रोडक्शन है। गन्ने का प्रोडक्शन इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में गन्ने का, तो इसलिए इसको चाइना फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़, आप दो चार्ट देखेंगे। पहले चार्ट में अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग पर शुगर प्राइस का जो इंडेक्स था सेप्टेम्बर 19 में $61 था, जो कि 17 फरवरी को बढ़ के $80 के आसपास हो गया। यानी कि पिछले पाँच महीने में इसमें 30% की तेज़ी आ गई शुगर के प्राइसेस में। यानी कि प्राइसेस शुगर के बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाले हैं। इस चीज़ का ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर चाइना, दूसरा फैक्टर प्राइसेस में तेज़ी है। तीसरा फैक्टर, शुगर सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो पीरियडिकली इसमें प्राइसेस अप और डाउन होते हैं। बेसिकली शुगर सेक्टर की जो साइकिल होती है 3 से 5 साल की होती है। अब ये साइकिल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये साइकिल आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्राइसेस अप और डाउन रहते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो मार्केट में शुगर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। शुगर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस कम आ गए। प्राइसेस कम आ गए तो कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई तो जो कंपनीज़ को, फार्मर्स को यानी किसानों को जो गन्ने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए उनको दिक्कत आएगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो किसानों का जो गन्ने का जो भुगतान है वो एरियर होता जाता है, ठीक है। अब वो एरियर हो गया, वो एरियर बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर होगा क्या, गवर्नमेंट कुछ प्लान लाएगी कि हम माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे, कुछ मिल्स के लिए कुछ योजना लाएगी। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो गन्ने से थोड़ा सा उनका मोह भंग हो जाता है, कहते हैं नहीं हम कोई दूसरी फसल करेंगे। तो दूसरी फसल पर जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो गन्ने का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऑब्वियसली गन्ने का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अब साइकिल चेंज होने शुरू हो जाएगी। गन्ने का प्रोडक्शन कम होगा, चीनी का प्रोडक्शन कम होगा। डिमांड तो है ही, लेकिन सप्लाई कम हो गई तो उसके चीनी के प्राइस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो होना शुरू हो जाएगा। फिर वो गन्ना किसान फिर और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे गन्ने का। फिर वो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, और फिर इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। तो एक ये साइकिल है जो कि समझना बहुत ज़रूरी था। अब ये साइकिल समझ लिया आपने, अब इसके बाद है क्या जो मेन इशू है। अब वो साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि अभी इस साल का जो शुगर सीजन है, शुगर सीजन नॉर्मली जो होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है। जो क्रशिंग होती है और जो प्रोडक्शन होता है अक्टूबर टू मार्च होता है नॉर्मली। तो अभी तक अक्टूबर से लेके और 15 फरवरी तक जो इस्मा है, जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, उसने जो आउटपुट है, जो गन्ने का, जो चीनी का प्रोडक्शन है, वो 23% पिछले साल के मुकाबले 23% कम चीनी का प्रोडक्शन हुआ है इस पीरियड में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन कम हो रहा है सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे शुगर के जो प्रोड्यूसर हैं, जो गन्ने के जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे मेन जो स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा छोटे और अदर स्टेट हैं जहाँ थोड़ा कम होता है, गुजरात, बिहार, ठीक है, पंजाब, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो अब महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले इस शुगर सीजन का, जो अभी तक का 15 फरवरी तक का जो शुगर सीजन था, इसमें कम से कम 48% का डिक्रीज हुआ है शुगर प्रोडक्शन में। उसके अलावा जो कर्नाटका है वहाँ पे भी कम से कम 20% का प्रोडक्शन कट हुआ है। यूपी में प्रोडक्शन करीब 3% से बढ़ा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो करीब 22-23%
शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ है पिछले साल के इस पीरियड में। और पूरे शुगर सीजन की बात करें अगर, और 19-20 के शुगर सीजन की हम बात करें, तो जो इस्मा है यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, उसने 26 मिलियन टन का एक एस्टिमेट दिया है इस पूरे शुगर सीजन का, जो कि पिछले साल 31 मिलियन टन था और उससे पिछले साल यानी 17-18 में 35 मिलियन टन था। तो आप देख सकते हैं 17-18 में 35 मिलियन टन था, जो कि 18-19 में 31 मिलियन टन हो गया, और अब 19-20 में इसको घटा के 26 मिलियन टन पर आने की बात हो रही है, यानी कि शुगर का प्रोडक्शन घट रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा थाईलैंड में ज़बरदस्त सूखा पड़ा है, तो उसकी वजह से इंडिया से शुगर एक्सपोर्ट भी वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो वहाँ भी शुगर एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात कि क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम शुगर सेक्टर को आज हम यहाँ लेके आए हैं। अब हम बात करते हैं शुगर की प्रोडक्शन की प्रोसेस की, यानी शुगर बनती कैसे है, और शुगर सेक्टर में केवल शुगर ही नहीं है, इसमें और भी सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं। फार्मर शुगरकेन प्रोड्यूस करता है यानी गन्ना प्रोड्यूस करता है, मिलों तक पहुंचाता है, अब मिल उसको प्रोसेस करती है यानी गन्ने की क्रशिंग करती है, और क्रशिंग करते जैसे आप अभी कभी आपने गन्ने का जूस पिया हो तो वो मशीन में डालते हैं, गन्ने का जूस निकलता है और बाकी उसकी जो गन्ने की जो बेकार हो जाता है वो कचरा बच जाता है। तो अब शुगर मिल जो क्या करती हैं, क्रशिंग करती हैं, क्रशिंग में एक तो शुगर निकलता है, जूस होता है, जूस से तीन चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ शुगर जो बेसिक वो है प्रोडक्ट, उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है मोलेसिस, और मोलेसिस से बनता है एथेनॉल या ENA जिसे हम बोलते हैं। जो एथेनॉल है ये जो है जो हमारा फ्यूल है उसमें यूज होता है, ENA यानी स्प्रिट यो अल्कोहल इंडस्ट्री यानी शराब की इंडस्ट्री में यूज होता है, और शुगर तो शुगर है ही। अब तीसरी एक और चीज़ है जो ये बच जाता है, इसको बोलते हैं बगास, जो कचरा जो बच जाता है इसको बोलते हैं बगास। ये बगास यूज होता है पावर जनरेशन के लिए, यानी इससे शुगर कंपनी पावर जनरेट करती है और उसको अपने अपने लिए यूज करती है या गवर्नमेंट को सप्लाई करती है। तो एक शुगर कंपनी केवल शुगर प्रोड्यूस नहीं करती, अब कई सारे फैक्टर उसमें हो गए। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो मोलेसेस और इनका जो वेस्ट बच जाता है उससे खाद बनाती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस एक शुगर सेक्टर केवल शुगर सेक्टर नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक टन जो शुगर केन होता है उससे लगभग 95 किलो शुगर निकलता है, करीब 11 लीटर एथेनॉल निकलता है, और करीब 330 किलो बगास यानी कचरा जो होता है वो निकलता है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में जो शुगर का कंजम्पशन है, लो ग्रुप इनकम यानी लो ग्रुप जो इनकम वाले लोग हैं वो शुगर का पूरे 100% में से 25% करीब शुगर का कंजम्पशन लो ग्रुप वाले लोग करते हैं, जो हाई इनकम वाले लोग हैं वो करीब 13% करते हैं, इंडस्ट्री में 30% यूज होता है, और बाकी स्मॉल बिजनेस में 32% होता है। अब ये जो शुगर है बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जिनमें यूज होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल होता है, जैसे बेवरेज हो गया, फूड सेक्टर हो गया, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इतनी सारे इसके कंज्यूमर हैं जो शुगर यूज करते हैं। अच्छा, अब कुछ फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होंगे शुगर सेक्टर में एंटर करने के लिए। पहली चीज, शुगर का आप देख रहे हैं प्रोडक्शन लो हो रहा है, ठीक है। अभी तक पहले क्या हो रहा था, अभी 3-4 साल पहले तक कि शुगर के जो प्राइसेस थे वो वोलेटाइल रहते थे, यानी कि कभी शुगर 25 रुपये हो गई, कभी 35 रुपये हो गई। पिछले साल और पिछले से पिछले साल पहले गवर्नमेंट ने अब शुगर का रेट जो है निर्धारित कर दिया, पहले 29 रुपीज़ निर्धारित किया, यानी कि शुगर मिल 29 रुपये से नीचे शुगर नहीं बेचेगी, और पिछले साल उसको बढ़ा के 31 रुपये कर दिया, यानी कि जो शुगर मिल है वो 31 रुपये से नीचे शुगर बेचेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट आती है शुगर की वो 30 रुपये आती है। तो अगर मैंने 100 किलो का प्रोडक्शन किया
तो मेरे 100 रुपये बन गए। तो इस तरीके से जिस कंपनी का जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अब मेंटेन रहेगी, जो कि पहले वॉलेटाइल रहती थी कि अगर 25 रुपये हो गया तो मेरे को 500 रुपये का नुकसान हो गया, 35 रुपये का तो मेरे को 500 रुपये का फ़ायदा हो गया, वो एक वॉलेटिलिटी कम हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम सेल प्राइस शुगर का निर्धारित कर दिया है। दूसरी चीज जो इस सेक्टर में हुई है, जो इस सेक्टर को बहुत अच्छा बनाती है, वो है एथेनॉल। जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो मोलसिस होता है उससे निकलता है, उससे बनता है एथेनॉल। गवर्नमेंट ने, और ये जो एथेनॉल है ये यूज होता है फ्यूल में, इसकी ब्लेंडिंग होती है फ्यूल में, ये ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। तो गवर्नमेंट ने पहले इसका जो टारगेट रखा है वो रखा है 10%, यानी 10% की ब्लेंडिंग होगी फ्यूल में, जो टारगेट रखा है। अभी तक 4% था, अभी इस साल 7-8% तक ये ब्लेंडिंग पहुंच गई है और आने वाले टाइम में 10% पहुंचेगी। यानी शुरू में जो एथेनॉल का मार्केट था वो जब 1% की ब्लेंडिंग थी तो वो मार्केट 1500 करोड़ का था, जो कि जो टारगेट है गवर्नमेंट का 10% ब्लेंडिंग करने का, उससे वो मार्केट हो गया 15000 करोड़। तो 15000 करोड़ आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है शुगर कंपनीज के लिए उन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की। अच्छा, अगर हम एथेनॉल की कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग आती है करीब 15-20 रुपये, और एथेनॉल का जो प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एथेनॉल का प्राइस होता है। कुछ प्राइस जो है हैवी मोलेसिस का, जो जूस से खाली केवल जूस जो होता है शुगर केन का जो जूस होता है उससे जो एथेनॉल बनता है उसका रेट करीब 59 के आसपास निर्धारित किया है। जो हैवी मोलेसिस हैं उसका रेट करीब 53 के आसपास है, और फिल्टर जो मोलेसिस है उसका रेट करीब 41 के आसपास है। और आप समझिए कॉस्टिंग 20 रुपये, तो कितना ज़बरदस्त मार्जिन है इस एथेनॉल में। और दूसरी चीज़, डिमांड बहुत है, क्योंकि सप्लाई तो है नहीं, सप्लाई तो कम है और डिमांड बहुत है, तो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसको लेने के लिए तैयार है। सारी मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में प्रोडक्ट आपका हाथों हाथ चला जाता है। इसके अलावा तो इसकी वजह से जो सेक्टर है उस सेक्टर में अब जो ये शुगर कंपनीज हैं अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रही हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े और एथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़े साथ के साथ। तो ये हो गई शुगर सेक्टर की बात। इसके अलावा जब हम कंपनीज को देखते हैं तो कंपनीज में सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई कंपनीज की क्या प्रोडक्शन है, यानी किस तरह का जो कंपनी है वो किस तरह का प्रोडक्शन करती है, खाली शुगर ही बनाती है या शुगर के साथ साथ मोलेसेस, एथेनॉल, पावर जनरेशन का भी काम करती है। कुछ कंपनीज वो खाद भी बनाती हैं, ऑर्गेनिक खाद भी बनाती हैं, तो किस तरह की कंपनी है, पहली चीज़ हमें कंपनी को देखना होगा। दूसरी चीज़ वैल्यूएशन की बात आती है, वैल्यूएशन में जैसे हम देखते हैं पी या प्राइस बुक वैल्यू या डिविडेंड यील्ड क्या है, तो उस तरह की सारी चीज़ें, कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह का मैनेजमेंट है, उसका विज़न क्या है, क्या इंटीग्रिटी है मैनेजमेंट की, और क्योंकि मैनेजमेंट ही किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वो उनके फार्मर के साथ रिलेशन कैसे हैं, उनकी कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइजेशन, जो जो मिल है उसकी कैपेसिटी को किस तरीके से वो बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो इस वीडियो में अभी तक हमने केवल शुगर सेक्टर को समझा, आने वाले दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कंपनीज़ को, यानी उन कंपनीज़ को जो शुगर सेक्टर में हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, उनके प्लांट की लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, क्या उनको एडवांटेज हैं, किस तरह की इंटीग्रेटेड कंपनीज़ हैं, क्या उनके वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट ने किस तरीके से कैपिटल एलोकेशन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपकी जो भी समस्या है उसके लिए। थैंक यू।